किसी धर्म को यहाँ कोई खतरा नहीं है। तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने। ये समस्या कोई मंदिर या मस्जिद की समस्या नहीं है। और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? विध्वंस का जवाब हम पुनर्निर्माण से देंगे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम नरसिम्हा रिटर्न्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की। दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास के सामने खड़े होकर उनको याद करने की वजह है उनका वो काम जो 30 साल पहले भी उतना ही रेलेवेंट था, आज भी है और आगे भी रहेगा। 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए तो आप उनको याद करते ही होंगे, लेकिन मंदिर मस्जिद और धार्मिक उन्माद को खत्म करने के लिए उठाए गए उनके कदमों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और विडंबना देखिए, हम आज भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसे खत्म करने की कोशिश नरसिम्हा राव ने 1991 में की थी। मैं पीवी नरसिम्हा राव ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि 21 जून 1991 को अपने 70वें जन्मदिन से एक हफ्ते पहले जब नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, तब देश एक विकट स्थिति में था। बाबरी मस्जिद और अर्थव्यवस्था, दोनों मोर्चों पर उन्हें बहुत बुरी परिस्थितियां मिली थी। जब वो 1991 में प्रधानमंत्री बने तो लगभग उसी समय बीजेपी नेता कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे और राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते के आयात के लायक विदेशी मुद्रा भंडार था और भारत को अपना सोना गिरवी रखने की नौबत आ पड़ी थी। आर्थिक व्यवस्था ऐसे संकट में पहुंची थी जैसा संकट स्वतंत्र भारत के समूचे इतिहास में देखने को नहीं मिला था। हमारी साख, आर्थिक साख एकदम लुप्त सी हो गई थी। 1-2 हफ्तों में हम अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ होने वाले थे। ऐसी दशा में मैंने हुकूमत की बागडोर संभाली। 1991 के बजट में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए रातों रात विदेशी निवेश को मंजूरी दी, देश को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला और लाइसेंस और परमिट राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसकी वजह से देश आर्थिक तरक्की की तरफ मुड़ गया और इसके बाद देश को फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। नरसिम्हा राव किस मुश्किल स्थिति में थे ये उन्होंने 1991 में लाल किले से बताया था। ऐसा लगता था कि पानी सिर से ऊंचा चल रहा उठ रहा है, देर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और पसोपेश करना तो आत्महत्या सदृश होगा, इसलिए हमें बड़ी तेजी से कुछ कदम उठाने पड़े। साहसपूर्ण निर्णय हमने लिए और उन निर्णयों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति और बिगड़ने वाली थी उसको हमने रोक लिया। अभी आपने सुना कैसे नरसिम्हा राव 1991 में इसी ऐतिहासिक लाल किले से कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत से साहसपूर्ण फैसले लिए। उन साहसपूर्ण निर्णयों में केवल अर्थव्यवस्था से हिंदुस्तान को बचाना ही नहीं बल्कि धार्मिक उन्माद से भी देश को दूर रखने के निर्णय थे। ऐसे ही एक फैसले की बात कर दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसका मकसद था देश में मंदिर मस्जिद विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना। लेकिन इस फैसले की जरूरत क्यों आन पड़ी, इसे समझने के लिए 1991 से पहले बन रहे माहौल को समझना होगा। भारत
भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा ने देश में उस वक्त चल रहे राजनीतिक माहौल को बदलने का काम किया था। रथ यात्रा की शुरुआत के लिए 25 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन जनसंघ के नेता और विचारक दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन होता है। आडवाणी इस यात्रा के जरिए 12 राज्यों को पार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्थन जुटाने निकले थे। इस रथ यात्रा का समापन 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के दिन खत्म होना था। अगर वहां पर कोई ढांचा है जो कि आज से 54 साल पहले मस्जिद के रूप में प्रयोग होता था, 54 साल से किसी ने वहां पर नमाज नहीं पढ़ी, जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, तो उसके लिए भी हम लगातार सुझाव दे रहे हैं कि आज के जमाने में यह संभव है कि उस ढांचे को जूं का जूं कहीं और रख लिया जाए और बड़े आदर के साथ जिसको मेरे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद कहते हैं उसको उठा करके 5 किलोमीटर दूर रख देंगे, अपने पैसे से अच्छी मस्जिद बना करके देंगे, लेकिन जहां पर जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी की इस रथ यात्रा की पृष्ठभूमि समझना भी जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि 1985 में शाहबानो केस में मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप झेलने के बाद केंद्र की राजीव गांधी सरकार ने 1986 में हिंदुओं को खुश करने के लिए विवादित स्थल का ताला खुलवा दिया था। ताला खुलते ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग तेज होने लगी। इसके बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और उत्तर प्रदेश के एनडी तिवारी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास तक करा दिया। मैं साफ तरह से कह सकता हूं कि कांग्रेस कोई भी समझौता नहीं करेगी फिरकाप्रस्त शक्तियों के साथ, चाहे चुनाव हम जीतें चाहे चुनाव हम हारें। नवंबर 1979 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता ने राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार को नकार दिया था। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इस त्रिशंकु लोकसभा में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बीजेपी ने राम मंदिर के मसले पर उसे बाहर से समर्थन दिया और वीपी सिंह देश के तीसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। वीपी सिंह की सरकार ने वादा किया था कि सत्ता संभालने के 4 महीनों के भीतर राम मंदिर विवाद का समाधान खोज लिया जाएगा। तो सवाल मेरे सामने आया कि प्रधानमंत्री की थ्योरियों के अनुसार काम करूं कि इस धरती का नमक खाया हूं तो उसकी अदायगी करूं। लगभग 6 महीने बीत चुके थे पर ना तो जनता सरकार की मंशा ऐसी दिख रही थी ना इस बारे में स्थिति साफ हो पा रही थी। बीजेपी पर दबाव बढ़ रहा था। जून 1990 में राम मंदिर आंदोलन के नेताओं ने तय किया कि विवादित स्थल पर 30 अक्टूबर को कार सेवा की जाएगी। आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को हराकर बनी जनता दल सरकार पर कोई भी संकट आए। इसी के मद्देनजर 13 अगस्त 1990 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम नेताओं के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर वे स्वेच्छा से राम जन्मभूमि से अपना दावा हटा लें तो आडवाणी व्यक्तिगत तौर पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से अनुरोध करेंगे कि वो काशी और मथुरा की अपनी मांग पर ज्यादा जोर न दें। आडवाणी काफी निराश हुए जब मुस्लिम नेताओं ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बाद सारा ध्यान 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में शुरू होने वाली कार सेवा पर केंद्रित कर दिया गया। जो स्वप्न देखते बाबर के अरमान निकाल कर मानेंगे। देश भर में कार सेवा समितियों का गठन होने लगा। देश भर से लोग अयोध्या पहुंचने के लिए उमड़ पड़ रहे थे। अब तक आडवाणी को भरोसा होने लगा था
कि यह आंदोलन केवल अयोध्या में एक अदद मंदिर के निर्माण तक सीमित नहीं रहने वाला। आडवाणी के अयोध्या पहुंचने से पहले 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के सोनपुर में जनता दल की सरकार की अगुवाई कर रहे लालू यादव ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लालू ने इसकी चेतावनी पहले ही दे दी थी। हमने अपने शासन के तरफ से, अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? 30 अक्टूबर 1990 को लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने विवादित स्थल पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा का ऐलान किया था। अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को इसी मणिराम दास छावनी से कार सेवा की शुरुआत हुई। मैं जहां मौजूद हूं, यहां पर कार सेवक इकट्ठा हुए और यहां से आगे बढ़े। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर कार सेवकों को रोकने के लिए हुई फायरिंग में 5 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद 2 नवंबर को फिर से फायरिंग हुई, जिसमें 10 से ज्यादा कार सेवकों ने जान गंवा दी। मुलायम सिंह यादव को इस घटना के कई राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़े। कार सेवकों पर गोलियां चलने के बाद बीजेपी ने जनता दल की अगुवाई वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद 7 महीने तक चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे। फिर 6 मार्च 1991 को उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब देश में मध्यावधि चुनाव हुए। चुनाव प्रचार चल ही रहा था कि राजीव गांधी की हत्या हो गई और जितना भी माहौल बीजेपी के पक्ष में था वो बदल गया। चुनावों के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और नरसिम्हा राव बने प्रधानमंत्री। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। 232 सीटों के साथ उनकी सरकार अल्पमत की सरकार थी। माना गया कि राजीव गांधी की हत्या के कारण ही कांग्रेस को सहानुभूति के तौर पर इतनी सीटें मिली, अन्यथा इतनी सीटें मिलनी मुश्किल थी। नरसिम्हा राव इस जमीनी हकीकत से वाकिफ थे। एंड परहैप्स द बीजेपी विद देयर फ्लेयर फॉर व्हिपिंग अप कम्युनल एंड रिलीजियस इमोशंस गॉट अवे विद अ लार्ज नंबर ऑफ सीट्स। 1984 के चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही थी। 1989 में 85 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी 1991 के चुनाव में 120 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। ये बीजेपी का उस वक्त तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। नरसिम्हा राव जानते थे कि देश में राम मंदिर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ था। देश के बड़े वर्ग में राम मंदिर, रथ यात्रा और लाल कृष्ण आडवाणी का जादू बरकरार था। बीजेपी लगातार राम मंदिर को लेकर उग्र आंदोलन चला रही थी। राव सामाजिक और धार्मिक जो उन्माद फैल रहा था, एक धर्म के दूसरे धर्म के बीच में एक टकराव का माहौल बन रहा था, एक दूसरों के प्रार्थना धार्मिक स्थलों को कब्जा करने की कोशिश हो रही थी, उस कब्जे की मंशा थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी वो नरसिम्हा राव के राजनीतिक मानचित्र पर नहीं थी। नरसिम्हा राव की जीवनी लिखने वाले लेखक विनय सीतापति ने अपनी किताब में लिखा है कि 1991 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 मुद्दों पर प्रचार किया। पहला बाबरी मस्जिद विध्वंस और दूसरा पिछड़ी जात के हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का मुद्दा। इसके लिए उन्होंने कल्याण सिंह के चेहरे को आगे किया
और नतीजा ये रहा कि बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली। 24 जून 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मुख्यमंत्री बनते ही कल्याण सिंह अयोध्या दौरे पर पहुंचे और राम मंदिर निर्माण की शपथ ली। खास बात यह है कि नरसिम्हा राव ने भी इसके ठीक 3 दिन पहले ही यानी 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नरसिम्हा राव की बीजेपी और कल्याण सिंह पर कड़ी नजर थी, लेकिन उनके सामने उस वक्त देश की आर्थिक संकट से निपटना आपात चुनौती थी। 24 जुलाई 1991 के पेश हुए ऐतिहासिक बजट ने आर्थिक संकट से तो निकलने की राह दिखा दी थी, लेकिन देश को सांप्रदायिक तनाव से मुक्त करने के रोड मैप की वो अभी भी तैयारी कर रहे थे। किसी धर्म को यहाँ कोई खतरा नहीं है। मैं इस समय घोषणा करना चाहता हूँ, जो नारे उठते हैं कि फलाना धर्म खतरे में है, कभी ये धर्म कभी वो धर्म, ये सब कोरे नारे हैं। इस देश में कभी भी किसी भी धर्म को किसी प्रकार का खतरा नहीं रहा है और नहीं रहेगा, हम इस बात की जमानत देते हैं। यूपी समेत देश के कई हिस्सों में अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है जैसे नारे बुलंद हो रहे थे। नरसिम्हा राव सरकार को इन बातों का अच्छे से इल्म था, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। राजनीतिक तौर पर इन भावनाओं को रोकने का कोई भी सीधा तरीका उनके पास नहीं था। वो तो शिद्दत से आडवाणी की रथ यात्रा के बाद देश में पैदा हुए माहौल का राजनीतिक कार्ड ढूंढ रहे थे। 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद, वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया था। VHP का दावा था कि ये मस्जिदें हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए इन्हें देश के बहुसंख्यक समुदाय को वापस सौंपा जाना चाहिए। 2-3 साल से एक विचित्र समस्या यहाँ उठ खड़ी हुई है, मस्जिद की और मंदिर की। हमारे देश की बुनियाद है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, धर्महीनता नहीं, और धर्म के नाम से सांप्रदायिकता को फैलाना नहीं। हम धर्मनिरपेक्ष रहना चाहते हैं। धर्म व्यक्तिगत चीज़ है, कोई मंदिर जाए कोई मस्जिद जाए, इससे कोई सरोकार नहीं है हमारी सरकार का और सरकार की नीतियों का और सरकार के कार्यक्रमों का। इस धर्म निरपेक्षता को हम छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के पास अगर कोई समाधान था तो वो कानूनी रूप से ही संभव था। 1991 लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने बकायदा अपने मैनिफेस्टो में इस बात का वादा किया था कि वो धार्मिक स्थलों की मौजूदा स्थिति का संरक्षण करने के लिए कानून बनाएगी। सरकार बनने के 3 महीने के भीतर ही नरसिम्हा राव सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून लेकर आ गई। इसके पीछे मकसद था राम जन्मभूमि आंदोलन की तीव्रता को शांत करना। मैं समझता हूँ कि 25-30 साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब भी कभी चर्चा होगी तब कांग्रेस में नरसिम्हा राव के बाद दूसरा नाम कांग्रेस के नेता शंकर राव चव्हाण का होगा, जिन्होंने संसद में बतौर गृह मंत्री प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिल यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 पेश किया था। 9 सितंबर 1991 को बिल पेश करने के बाद SB चव्हाण ने कहा था, पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय समय पर होने वाले विवादों को देखते हुए इसके लिए उपाय करना आवश्यक है ताकि भविष्य में सांप्रदायिक माहौल न खराब हो। संसद में इस बिल का नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर और गुलाम नबी आजाद ने खुलकर समर्थन किया था। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि संसद में इस बिल का पेश होना धर्मनिरपेक्ष ताकतों के एक साथ आने और सांप्रदायिक ताकतों से लड़कर सांप्रदायिकता की राजनीति से छुटकारा पाने का एक अवसर है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था और जिस समुदाय का था भविष्य में भी उसी का रहेगा। कानून लागू होते समय जो मामले अदालत में लंबित थे उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। और उस समय की स्थिति जो थी आज जो 2022 की हम बात कर रहे हैं उससे बहुत विपरीत थी।
तो उस समस्या का समाधान करने के लिए कि ये बार बार ये मामले ना खड़ा हों मथुरा काशी, और उस पर मैं ऐसी भी बात कही गई कि विश्व हिंदू परिषद और दूसरे लोगों ने एक लंबी फेरिस्त, कोई कहता था 200, कोई कहता था 2000 ऐसे जो धार्मिक स्थलों के थी जिसका उनका मानना था कि उस पर हिंदू धर्म या हिंदू धर्म की आस्था रखने वालों को हिस्सा मिलना चाहिए, उस पर अधिकार होना चाहिए। वो उसको ले आए अचानक वर्ष विधेयक को, और उनका मूल इरादा था कि मथुरा और काशी ना उठ पावे अब, इसलिए उन्होंने मुख्यतः भले ही नाम सिर्फ अयोध्या का उल्लेख किया कि ये रहे, मतलब ये उससे बाहर रहेगा, लेकिन जो अंदर रहेंगे उसका मेन टारगेट मथुरा और काशी थी। नरसिम्हा राव सरकार को इस बात का डर था कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी ही नहीं, देश के बाकी जगहों पर भी इस्लामिक स्थलों पर और मस्जिदों पर इसी तरीके से दावे किए जा सकते हैं, और उस पर दोबारा हिंदुओं को वापस करने का दबाव भी डाला जा सकता है। इसी आशंका के चलते इस कानून में सरकार ने एक प्रावधान रखा जिसके तहत अयोध्या की बाबरी मस्जिद के सिवा देश के किसी भी अन्य जगह पर किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी और धर्म के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्नीस सौ 91 में 9 सितंबर को जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, तब मध्य प्रदेश के खाजुराहो से बीजेपी की तत्कालीन सांसद उमा भारती ने इसका जमकर विरोध किया। उमा भारती और बीजेपी नेताओं ने अयोध्या के तत्कालीन बाबरी ढांचे और श्रीराम जन्मभूमि विवाद के अलावा वाराणसी के ज्ञान व्यापी ढांचा काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के ईदगाह ढांचा श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे विवादित स्थलों को भी अपवाद रखने की मांग की थी। बिल का लोकसभा में विरोध करते हुए उमा भारती ने कहा था, मैं ज्ञान वापी के दर्शन के लिए वाराणसी गई थी, मैंने मंदिर के अवशेषों पर बनी मस्जिद को देखा तो मेरे शरीर में क्रोध की लहर दौड़ गई। मुझे अपने पूर्वजों के भाग्य पर शर्मिंदगी महसूस हुई, जो मुझे लगता है कि मेरी नारीत्व को चुनौती दे रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि औरंगजेब का इरादा केवल एक मस्जिद बनाने का था तो मंदिर के अवशेष क्यों छोड़े गए? क्या औरंगजेब का इरादा मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद को खड़ा करके हिंदुओं को उनके ऐतिहासिक भाग्य की याद दिलाते रहना और मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियों को उनके अतीत के गौरव और शक्ति की याद दिलाना नहीं था? और जब स्पीकर ने कहा कि उमा भारती जी आपको 20 मिनट अलॉटेड थे, तो जसवंत सिंह जी ने कहा कि नहीं, दूसरे वक्ता कम बोलेंगे, उमा भारती जी को हम अपना समय जितना अलॉटेड है हम दे रहे हैं। तो फिर बाद में बीजेपी को और टाइम मिल गया, तो इसलिए मैं पूरा बोली, और बोलने के बाद वो पहले से तय था कि हम समर्थन कर ही नहीं सकते, या तो हमारे संशोधन मंजूर कर लें कि अयोध्या के साथ इसमें मथुरा और काशी भी रहें बाहर इससे, और अगर ये नहीं मानते हैं तो हम वॉकआउट करेंगे, इसलिए किया था। लोकसभा में बिल के पेश होने के बाद बीजेपी नेता संसद से वॉकआउट कर गए थे। उनका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, जबकि राज्यसभा में बीजेपी नेता सिकंदर बख्त ने बीजेपी की तरफ से विरोध की कमान संभाली थी। लोकसभा में इस बिल के पेश होने पर बहस में सिर्फ 21 सांसदों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 4 सांसदों ने विरोध किया था। विरोध करने वालों में बीजेपी की तरफ से तत्कालीन सांसद लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, राम नाइक और मदन लाल खुराना और शिवसेना की तरफ से अशोक आनंद राव देशमुख शामिल थे। 10 सितंबर 1991 को यह बिल लोकसभा में पास हो गया और उसके दो दिन बाद यानी 12 सितंबर 1991 को यह बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। खास बात यह है कि इस कानून को लागू करने की तारीख 2 महीने पहले की रखी गई, यानी ये कानून 11 जुलाई 1991 से लागू माना गया, यानी नरसिम्हा राव सरकार बनाने के सिर्फ 21 दिन बाद से। सरकार काम करती है तो विधि मंत्रालय होता है, एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है, अगर लोगों का इशारा अर्जुन सिंह की तरफ है तो अर्जुन सिंह बिल्कुल उसमें शामिल थे, और भी प्रणब मुखर्जी थे कांग्रेस में उस समय, बहुत विद्वान लोग थे, और विजय भास्कर रेड्डी जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे, तमाम लोगों ने मशवरा किया, शरद पवार जी थे रक्षा मंत्री थे, तमाम बातें हुई और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने ये फैसला लिया था। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बिल को लेकर काफी शंका जताई थी। उनका कहना था कि मुझे नहीं पता कि ये विधेयक कितना मददगार बनेगा,
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम उन समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं जो सभी तनावों के पीछे हैं। हम इस विधेयक को उन जगहों पर तनाव पैदा करने के लिए पारित कर रहे हैं जहां ये समस्या नहीं है। ये समस्या कोई मंदिर या मस्जिद की समस्या नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इसको केवल मंदिर और मस्जिद की समस्या समझना भ्रामक होगा, गलत होगा। ये समस्या है हमारे देश की एकता की समस्या। हमारे देश और हमारे समाज में जो सामरस्य सदियों से चला आता है, आज भी लाखों गांव में जो चल रहा है, उसकी रक्षा करने की समस्या है, उसको बनाए रखने की समस्या है। इस भाषण के 4 महीने बाद देश में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, खुद प्रधानमंत्री राव को भी नहीं। नरसिम्हा राव सरकार वर्शिप एक्ट के जरिए राम जन्मभूमि आंदोलन और भविष्य की आशंकाएं दोनों के ही निपटारे की कोशिश में थी, लेकिन अयोध्या विवाद इस कानून का इस्तेमाल उसमें हो नहीं सकता था और यही परेशानी का सबब था। उनके सामने बड़ी दुविधा थी कि अगर बाबरी मस्जिद को लेकर कोई घटना कानून व्यवस्था के दायरे में आई तो क्या करेंगे, क्योंकि संविधान के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और बाबरी मस्जिद के सुरक्षा में लगी पुलिस इस तरह प्रधानमंत्री को नहीं संविधान के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी। मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह ने जून 1991 में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली थी। इसके बाद अक्टूबर में कल्याण सिंह सरकार ने अधिग्रहित जमीन पर पुरानी इमारतों को गिराना शुरू कर दिया था, लेकिन मुख्य मस्जिद को छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही इमारतों को गिराने का काम रोका गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नरसिम्हा राव ने सितंबर से नवंबर के बीच हिंदू और मुस्लिम समूहों से लगभग 90 बैठकें की थी। नरसिम्हा राव पर जीवनी लिखने वाले विनय सीतापति ने अपनी किताब आधा शेर में लिखा है कि जुलाई 1992 को बाबरी मस्जिद के बाहरी अहाते में बीजेपी ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन था और ऐसा एक बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा बार किया गया। अदालत का जो फैसला होगा वो सब पर लाजिम होगा और हमें पूछिए तो हमारा ये फार्मूला है, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये नीति है कि वहाँ मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, लेकिन मस्जिद न टूटे। ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा निश्चय है और ये हमारा फैसला है। 1992 में नरसिम्हा राव के इस भाषण के 4 महीने बाद देश में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, खुद प्रधानमंत्री राव को भी नहीं। हालांकि 30 अक्टूबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने यह ऐलान किया कि वो विवादित ढांचे के पास की भूमि जो अधिग्रहित है वहां कार सेवा करेंगे, तो केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए और उसके बाद से हालात लगातार तनावपूर्ण रहे। कांग्रेस पार्टी में ये मानना है कि प्रधानमंत्री ने जो कार्रवाई करने की जरूरत थी उन्होंने नहीं की, और कई लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए था उत्तर प्रदेश में। गांधी फैमिली का ये मानना है? नहीं, सभी कांग्रेस पार्टियों का मानना है, गांधी फैमिली का नहीं, कांग्रेस पार्टी वाले कार्यकर्ता का मानना है, नेताओं का मानना है कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू की। कल्याण सिंह वाज देन द चीफ मिनिस्टर, ही सेड नो आई वोंट अलाउ योर फोर्स टू गो अहेड। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन एंड दैट इज हाउ द होल थिंग वाज ब्रॉट अबाउट, व्हिच इन फैक्ट इज अ वेरी सैड इंसिडेंट। 6 दिसंबर की घटना ने नरसिम्हा राव के 60 साल लंबे राजनीतिक जीवन पर हमेशा के लिए दाग लगा दिया था। देश में आर्थिक सुधारों के इस हीरो को उन्हीं के पार्टी के लोगों का साथ नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि इस घटना से देश में मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी उनसे दूर जा सकते हैं। स्थिति को संभालने के लिए नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का वादा भी किया था। आज हम ये चाहते हैं कि इस विध्वंसकारी शक्तियों के सामने और अयोध्या के विध्वंस के सामने विशेषकर
हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम ही हार नहीं मानेंगे और विध्वंस का जवाब हम पुनर्निर्माण से देंगे। ये मैं आपको आश्वासन ही नहीं बल्कि आवाहन देना चाहता हूं कि आप और हम मिलकर ये काम करेंगे। देश में मंदिर मस्जिद का विवाद कभी खत्म होगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। और अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको समाप्त किया जाए। हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। 6 दिसंबर की घटना के 28 साल बाद दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर मंदिर बनाने को हरी झंडी दे दी और ये 2024 में बनकर तैयार भी हो जाएगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन अलग से देने का आदेश दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अयोध्या विवाद सुलझने के बाद देश के मंदिर मस्जिद विवाद खत्म हो गए हैं? इसका जवाब है नहीं। वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद पर हो रहे ताजा टकराव ने एक बार फिर देश में मंदिर मस्जिद विवाद को नई हवा दे दी है। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का तर्क है कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर था और उसके पुराने स्वरूप में उसे फिर से स्थापित किया जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष को इस बात का यकीन है कि देश की अदालत कानून के मुताबिक वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञान व्यापी का स्वरूप बदलने नहीं देंगे। इस बहस के बीच नरसिम्हा राव सरकार के लाए कानून की वैधता पर ही सवालिया निशान लग रहा है, इस कानून को खत्म करने तक की मांग उठ रही है। आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेज करके हमने मांग किया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को समाप्त किया जाए। साथ ही साथ में हमने ये मांग किया है कि जिस तरह से कई बार संविधान का संशोधन हुआ है तो अब समय की मांग है कि फिर से एक बार संविधान का संशोधन करके और अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको समाप्त किया जाए। हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते और 90 ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है, आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया कि इस मामले पर कानून बनाने का अधिकार ही केंद्र सरकार के पास नहीं है। तर्क ये है कि ये कानून पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर लागू किया गया जो राज्य का विषय है, यानी ये कानून बनाकर उस समय की केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार का अतिक्रमण किया। दूसरा तर्क ये दिया गया है कि कानून को धार्मिक स्थान की यथास्थिति बनाए रखने के नाम पर लाया गया। भारत के बाहर के धार्मिक स्थल केंद्र सरकार का विषय है, जबकि देश के अंदर के तीर्थ स्थलों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। तीसरा तर्क ये रखा गया कि किसी आक्रांता ने अगर मंदिर तोड़ा और उसका वास्तविक स्वरूप 15 अगस्त 1947 तक बहाल नहीं किया गया तो इस ऐतिहासिक गलती को संसद सही नहीं ठहरा सकती। इस कानून के लिए जो कट ऑफ तारीख है वो 15 अगस्त 1947 रखी गई है, जबकि ये तारीख 1192 से होनी चाहिए थी, यानी वो वक्त जब मुगलों की भारत में एंट्री हुई। दलील ये भी दी गई कि संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि हिंदू धर्म के मंदिर या मठ की जमीन एक बार देवता के नाम हो गई तो फिर उसे छीना नहीं जा सकता। देखिए, ज्ञानवापी के मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, ये राइट टू वर्शिप का मामला है, प्लेस ऑफ वर्शिप का नहीं। सर्वे हो चुका है, जरूरत पड़ने पे एसआई से और सर्वे कराया जा सकता है। अगर कुछ दीवार के नीचे खुदवाना है, नींव को चेक कराना है, जहां फवारा मिला उसके नीचे टेस्ट कराना है, तो ये सारा काम एएसआई 3 महीने के अंदर कर देगी। उसके बाद अगर डे टू डे हियरिंग शुरू हो जाए तो साल भर के अंदर पूरे ज्ञानवापी का फैसला आ जाए। गुजरात के पावागढ़ का ये कालिका मंदिर उन जगहों में से है जिन्होंने 600 साल पुराने विवाद को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया है। हाल ही में पावागढ़ के नए मंदिर परिसर का उद्घाटन हुआ है और इस मंदिर के बगल में ही दरगाह भी बनाई गई है। ये समझौता बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। बीजेपी नेता उमा भारती ने 1991 में संसद में इस मंदिर से जुड़े विवाद को उठाया था कि मंदिर के टॉप के ऊपर उन्होंने वो बना दिया था स्थान, जबकि वहाँ वो था ही नहीं, जो एक मजार बना दी थी।
हाँ, तो इसलिए मंदिर को मूर्ति अंदर विद्यमान थी और मुसलमानों ने अपनी प्रसन्नता से सहमति से ऐसा कर दिया, तो इसलिए ऐसा वातावरण बन सकता है, पूरे देश में बन सकता था। देश में मंदिर मस्जिद का विवाद कभी खत्म होगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आज से 30 साल पहले एक कोशिश जरूर की। अब ये कोशिश उनकी राजनीतिक मजबूरी थी या कानूनी मजबूरी, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन उनका फोकस एकदम क्लियर था कि देश को मंदिर और मस्जिद के विवाद से निकालकर विकास की राह पर ले जाना है। अब इसमें देश कितना कामयाब हो पाया है ये आप देख सकते हैं। इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस दिन हम धर्म निरपेक्षता को छोड़ेंगे, इसलिए हरगिज इसे छोड़ना नहीं है। बहुत दूर है, आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कुरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।